नीमच शहर के अनेक मंदिरों में दशा माता का पूजन किया गया। दशा माता का पूजन का महत्व यह है कि इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करने और निर्हर रहकर पूजन करने से दशा बदल जाती है, दुख दर्द दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दशा माता दशा सुधारे हमारे आपके भाग्य सवारे। होली के बाद 10वें दिन दशा माता पूजन किया जाता है। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में दशा माता पूजन का बड़ा ही महत्व है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं रखती है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना के लिए व्रत करती है। दशा माता पूजन रविवार को था। इस दिन बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिरों पर पहुंची और पीपल के वृक्ष की पूजा की। पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगातार सूत का धागा बांधा, बाद में कथा सुनी और बेल धारण की। नीमच के मंदिरों में दशा माता पूजन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। पीपल के वृक्ष पर पूजन करने के लिए महिलाएं ससवर कर श्रद्धा भाव से पहुंची। मंदिरों में भगवान के दर्शन किए और फिर पीपल के वृक्ष का पूजन किया। यह चैत्र महीने में दशमी को व्रत किया जाता है और यह व्रत अपनी क्या महत्व रहता है इसका और क्या होली के कितने दिन बाद इसका पूजन किया? इसमें कोई आटे के वगैरह के कुछ गहने वगैरह या कुछ बनाया जाता है क्या? इसमें आटे के दिए बनाए जाते हैं। नीमच शहर के अनेक मंदिरों में दशा माता का पूजन किया गया। दशा माता का पूजन का महत्व ये है कि इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करने और निर्हर रहकर पूजन करने से दशा बदल जाती है, दुख दर्द दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। ये त्यौहार महिलाओं का है। महिलाएं इस दिन ससवर कर घर की खुशहाली के लिए व्रत करती है, दशा माता को पूजती है। हालांकि स्थान पर जल अर्पण करके घर के द्वार पर स्वास्तिक बनाती है। भारतीय संस्कृति का यह बड़ा महत्व का त्यौहार है।